हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। शिक्षिका चेतना व हिना दिखाएंगी कला व क्राफ्ट का हुनर। शिक्षक डायरी नहीं दिखाने पर बीईओ ने मांगा स्पष्टीकरण। शिक्षकों को गणित पढ़ाएंगे मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अनिल। शिक्षक घर घर जाकर बच्चों से अब जोड़ेंगे भावनात्मक संबंध। स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल में अश्लील गाने पर डांस के मामले में एक और प्रधानाध्यापक निलंबित। बीएसए ने जांच सौंपी। मिड डे मील बनाते समय आग से झुलसी रसोइयां। कहीं सहायक अध्यापक गायब तो कहीं ऑपरेशन कायाकल्प के पैरामीटर मिले अधूरे। तदर्थ शिक्षकों के फेर में फंसा वेतन। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किसमें यह यूट्यूब चैनल पर। शिक्षिका चेतना व हिना दिखाएंगी कला व क्राफ्ट का हुनर। कमालगंज शिक्षिकाएं चेतना भारती व सैयद हिना खालिद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी कला क्राफ्ट के हुनर का प्रदर्शन करेंगी। इन शिक्षिकाओं ने जनपद व राज्य स्तरीय प्रथम चरण की ऑनलाइन प्रतियोगिता में कला व शिल्प के प्रभावी शैक्षिक नवाचार प्रस्तुत किए थे। इसी आधार पर इनका चयन प्रादेशिक स्तर की द्वितीय चरण की प्रतियोगिता के लिए किया गया है। प्रतियोगिता राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ में होगी। कला क्राफ्ट एवं पपेटी के माध्यम से बच्चे अच्छी तरह सीखते हैं। इनके माध्यम से सिखाने पर शिक्षणकार रुचिकर बन जाता है। शिक्षण में कला व शिल्प के माध्यम से तैयार की गई शिक्षण अधिगम सामग्री को बढ़ावा देने व नवाचार को सामने लाने के लिए कला क्राफ्ट और पपेटी के माध्यम से शिक्षण संबंधी परिणाम लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसके बाद 18 से 27 जुलाई के मध्य प्रथम चरण के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता ऑनलाइन हुई थी। अब द्वितीय चरण की प्रादेशिक प्रतियोगिता राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के लखनऊ स्थित मुख्यालय पर 22 व 23 अगस्त को होगी। प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक स्तर सामाजिक अध्ययन वर्ग में कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय रायपुर की शिक्षिका चेतना भारती भी प्रतिभाग करेंगी। उनके वर्ग में प्रदेश भर से 29 प्रतिभागी और हैं। गणित वर्ग में बढ़पुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नगला टीका को शिक्षिका सैयद हिना खालिद का चयन हुआ है। उनके वर्ग में 30 अन्य प्रतिभागी भी हैं। शिक्षिका चेतना ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी का पत्र प्राप्त हो गया है। शिक्षक डायरी नहीं दिखाने पर बीईओ ने मांगा स्पष्टीकरण। कुशीनगर बिशुनपुरा ब्लॉक के 4 प्रसिद्धि विद्यालयों का शनिवार को बीईओ देवमुनि वर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक संज्ञा और विशेषण की परिभाषा नहीं बता पाए। विद्यालयों में मल्टीपल हैंडवाश पोस्ट नहीं मिलने पर बीईओ ने एक सप्ताह में बनवाने का निर्देश दिया। डायरी नहीं दिखा पाने वाले शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा। खंड शिक्षा अधिकारी सुबह 8 बजे प्राथमिक विद्यालय चक्रधर छपरा पहुंचे। वहां सभी अध्यापक उपस्थित रहे। महिला शिक्षक अवकाश पर थी। विद्यालय में मल्टीपल हैंडवाश पोस्ट नहीं बना था और बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। बीईओ ने तुरंत पोर्टल पर कनेक्शन के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया। 9 बजे पटेरा बुजुर्ग उच्च प्राथमिक विद्यालय पर पहुंच बीईओ ने शिक्षक शमसुद्दीन से डायरी मांगी। उनसे संज्ञा व विशेषण की परिभाषा पूछी तो वह नहीं बता पाए। इसी तरह पटेरा मागी छपरा विद्यालय के शिक्षक ईमानदार व ईमानदारी में अंतर नहीं बता सके। शिक्षकों को गणित पढ़ाएंगे मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अनिल। गंगटा विषय शिक्षा में सुधार और विद्यार्थियों की गणित विषय की शिक्षा नई विधा से देने के लिए जिले के प्राथमिक विद्यालय और अडाट के शिक्षक अनिल यादव IIT गुजरात से प्रशिक्षण प्राप्त करके शनिवार को लौटे। शिक्षकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अनिल अब राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर के रूप में शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की गणित को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए IIT गुजरात में प्रशिक्षण दिया गया। उसमें जिले के एकमात्र शिक्षक अनिल कुमार यादव का चयन हुआ था। गुजरात से 5 दिवसीय प्रशिक्षण लेकर शनिवार को लौटे शिक्षक अनिल का विकासखंड केसर बाजार के शिक्षकों ने स्वागत किया। मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अनिल ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। स्वागत करने वालों में ओम प्रकाश यादव, विष्णु श्रीवास्तव, उत्तम चौधरी, रामकृपाल, सतीश चंद आदि शामिल रहे। मऊ जिले में संचालित प्रसिद्ध विद्यालयों के शिक्षक अब विद्यार्थियों के घर घर जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने अगस्त माह से दिसंबर के पहले पखवाड़े तक शिक्षक विद्यार्थी संबंध अभियान की कार्ययोजना बनाई है। इसमें शिक्षकों को विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करने होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस आशय का निर्देश खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिया है। जिले में 1208 प्रसिद्धि विद्यालय, 94 सहायता प्राप्त, 56 समाज कल्याण से संबद्ध विद्यालयों में 1.80 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। प्रसिद्धि तथा सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे
विद्यालय वातावरण से सहज हो, इसके लिए उन्हें भावनात्मक रूप से तैयार करने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है। विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन तो किया गया है, लेकिन नाम मात्र ही अभिभावक भावनात्मक रूप से विद्यालय से जुड़ पाते हैं। बच्चों तथा शिक्षकों के बीच कुछ ऐसा ही जुड़ाव बनने की पहल प्रसिद्ध विद्यालयों में शुरू हो रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए अगस्त माह से दिसंबर की पहले पखवाड़े तक शिक्षक विद्यार्थी संबंध अभियान की कार्य योजना तय की है। इसमें शिक्षकों को विद्यार्थियों के घर जाना और अभिभावकों को स्कूल बनाना जरूरी किया गया है। नए दिशा निर्देश के तहत शिक्षक बच्चों की जिज्ञासा को दूर करेंगे, समस्याओं को हल करने तथा क्षमता विकास के लिए रचनात्मक माहौल बनाना है। बच्चे विद्यालय व शिक्षक के बीच सार्थक व स्वस्थ संबंध स्थापित करना भी शिक्षा विभाग ने इसके लिए साप्ताहिक गतिविधियां तय की हैं। मसलन छात्र छात्राओं को इस तरह पढ़ाएं कि उन्हें एक टीम के रूप में कार्य करने की जरूरत पड़े। छात्रों के घर घरेलू सामग्री व स्टेशनरी का उपयोग करके नवाचार करें। शिक्षक विद्यार्थियों के घर का भ्रमण करें, उनके बीच प्रतियोगिताएं करें, स्कूल में प्रदर्शनी व मेला लगाएं, नुक्कड़ नाटक कहानी आदि रोल प्ले कराएं, पत्र लेखन कलर प्रिंटिंग आदि कार्य कराएं और उनके माता पिता से उनको गतिविधि साझा करें। शिक्षकों की गतिविधियां प्रेरणा एक्टिविटी मॉड्यूल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापकों को दी गई है। स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल में अश्लील गाने पर डांस के मामले में एक और प्रधानाध्यापक निलंबित। बीएसएन ने जांच सौंपी। गोंडा इंडिया थोक के प्राथमिक विद्यालय बिरमापुर में गांव के ही एक मदरसा में पढ़ रहे छात्रों का नामांकन दर्शाकर मिड डे मील के बजट को हड़पने का खुलासा हुआ। शनिवार को बीएसएन अखिलेश प्रताप सिंह ने प्राथमिक विद्यालय बिरमापुर के प्रधानाध्यापक आलमगीर को निलंबित कर दिया। इसकी जांच के लिए टीम बनाई है। हलधर्मो के बीईओ रियाज अहमद और पंडरी कृपाल के बीईओ अजय कुमार त्रिपाठी जांच करेंगे। वहां बढ़ोली के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्वतंत्रता दिवस पर बाहरी लोगों द्वारा अश्लील गाने पर डांस के मामले में निलंबित कर दिया है। उधर जिले के सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को चेतावनी दी कि एमडीएम में किसी तरह की गड़बड़ी न करें, हर स्कूल पर नजर है। इटिया थोक की ब्रह्मपुर गांव के में प्राइमरी स्कूल के साथ ही गांव में मदरसा भी चल रहा है। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने मदरसा के शिक्षकों से साठगांठ करके वहां के छात्रों के नाम अपने स्कूल में दर्ज कर लिया है। यह एमडीएम से में मिलने वाले राशन और कन्वर्जन कास्ट को हड़पने की साजिश थी। स्कूल में हो रहे इस खेल की जानकारी विभाग को हुई। 16 अगस्त को जाँच खंड शिक्षा अधिकारी उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने की। त्रिवेदीगंज बाराबंकी गौरी कंपोजिट विद्यालय में एमडीएम पकाते समय आग से रसोईया के पैर झुलस गए। सिलेंडर से गैस रिसाव होने के कारण आग भड़की थी। अग्निशमन दस्ते ने स्कूल पहुंचकर आग को बुझाया। बुधवार को गौरी गांव के कंपोजिट विद्यालय में रसोईया रामरानी राजकुमारी और फूलमती एमडीएम में तहरी पकाने की तैयारी कर रही थी। गैस चूल्हा में माचिस जलाते ही पास रखे सिलेंडर में आग लग गई। इससे रामरानी का पैर झुलस गया। आग की सूचना पर पहुंचे अग्निशमन दस्ते ने सिलेंडर की आग को बुझाया। मौजूद ग्रामीणों के मुताबिक विद्यालय में रखे अग्निशमन यंत्र मौके पर नहीं चले और बारूद डालने से भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके चलते करीब 50 बच्चों को भोजन नहीं मिला। प्रधानाध्यापक संतोष आनंद सिंह ने बताया कि गैस रिसाव होने पर आग लगी थी, इससे भोजन नहीं पकाया जा सका। बच्चों को दूध पिलाकर घर भेजा गया है। स्वार रामपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रसिद्ध स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कहीं सहायक अध्यापक गायब मिले तो कहीं ऑपरेशन कायाकल्प के पैरामीटर पूरे नहीं मिले, जिसके चलते बीएसएन ने अनुपस्थित अध्यापकों का एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। बृहस्पतिवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना सिंह प्राथमिक विद्यालय रहमतगंज द्वितीय पहुंच गईं, जहां विद्यालय में कार्य सहायक अध्यापिका पारुल कौशिक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाई गईं, जिसके लिए उनका एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए गए। प्राथमिक विद्यालय रहमतगंज प्रथम में साफ सफाई व्यवस्था उचित नहीं पाई गई है। विद्यालय के प्रांगण में बड़ी बड़ी झाड़ियों एवं घास फूस मिली, सफाई कराकर फोटोग्राफ करने निर्देश दिए गए। प्राथमिक विद्यालय नरपत नगर में नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति कम मिली। विद्यालय में कंपोजिट ग्रांट का सदुपयोग नहीं किया गया व कंपोजिट ग्रांट के बिल बाउचर एवं अन्य लेख उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके लिए प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया गया कि 2 दिनों के भीतर बिल बाउचर उपलब्ध कराएं। कंपोजिट विद्यालय मोतीपुरा खोद में सफाई व्यवस्था उचित नहीं पाई गई। छात्र छात्राओं की विद्यालय यूनिफॉर्म में नहीं पाया गया। शिक्षकों द्वारा निपुण भारत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। सुल्तानपुर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कार्य शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों का वेतन तदर शिक्षकों की वजह से फिर फंसता दिख रहा है। डीआईओएस ने सभी प्रबंधकों को पत्र जारी कर नियमित शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों का वेतन बिल प्रस्तुत करने को कहा है। संदर्भ अध्यापकों का मई का वेतन काफ़ी जद्दोजहद के बाद रिलीज हुआ था, जून से फिर वेतन बाधित हो गया है। बड़ी संख्या में शिक्षक बैंक से ऋण लिए हैं जिनकी मासिक किस्त कटनी है। वेतन खातों में क्रेडिट न होने से ऐसे कार्मिकों को क्रेडिट फॉल्ट हो रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह ने 6 अगस्त को कभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधकों प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया था कि जून जुलाई का नियमित शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों का वेतन बिल 3 के अंदर प्रस्तुत करें। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि प्रस्तुत वेतन देवक में किसी भी तदर्थ शिक्षक का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। इस आदेश को लगभग 10 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन किसी भी विद्यालय ने वेतन बिल प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे में तदर्थ शिक्षकों की वजह से एक बार फिर वेतन फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। ऐसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।